योर वेलकम टू एडू सर्च। आज का हमारा पहला टॉपिक है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में बैंक बोर्ड ब्यूरो जो हमारा पहले था, इसके बारे में यूपीएससी में दो बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसको रिप्लेस किया गया है और इसको अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। और ये जो FSI भी बनाया जाएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज होता है उसके अंतर्गत आएगा। अब इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा रिकमेंड करना, जैसे होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं या नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन्स होते हैं, चाहे वो आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों, पब्लिक सेक्टर इंश्योरर्स हों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, तो इनके जो होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होते हैं, उनके रिकमेंडेशन के लिए ये बात करेगा, सरकार को बताएगा कि भाई इनका रिकमेंडेशन है हमारी तरफ से और इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। जिस तरीके से UPSC रिकमेंड करती है कैंडिडेट्स को सरकार को कि ये हमारी तरफ से क्वालिफाइड हैं और इनको सरकार नौकरी दे, तो इसी तरीके से इनके द्वारा भी रिकमेंडेशन किया जाएगा FSIB के द्वारा। इसमें बताया गया है आगे कि एडवाइस ऑन सर्टेन अदर मैटर्स रिलेटिंग टू पर्सनल मैनेजमेंट, यानी कि पर्सनल मैनेजमेंट से संबंधित कोई भी अगर काम होता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों, पब्लिक सेक्टर इंश्योरर्स हों या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, उनसे संबंधित जो भी सलाह हो सकती है वो सरकार को ये देगी। आगे बात है दैट प्रमोट एक्सीलेंस इन कॉरपोरेट गवर्नेंस, इनकी पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनमें कॉरपोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा, उनके वर्किंग कल्चर है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। और इसमें बात की गई कि जो भी बैंक बोर्ड ब्यूरो के पास असेट्स थी, उसके इंटरेस्ट थे या उसकी लाइबिलिटीज़ थी, तो वो सारी FSIB को ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी, यानी कि जो भी उनके पास अधिकार थे, जो भी कर्तव्य थे, जो भी उनकी ड्यूटीज़ थी, वो सारी अब कौन देखेगा? वो FSIB देखेगा। अब क्या किया जाएगा कि जो भी डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट के अलावा उनका ट्रांसफ़र है, सर्विस को एक्सटेंड करना है या फिर उनको टर्मिनेट करना है, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको टर्मिनेट करना है, या बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो उनकी सर्विस को आगे बढ़ाया जाना है, तो ये सारे मैटर्स पर वो गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी। इसके अलावा उसका दूसरा काम होगा कि जो भी डिज़ायर्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, जो पब्लिक सेंटर बैंक्स होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना, तो इनसे संबंधित जो भी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, जो भी चाहिए है, तो उससे संबंधित भी सलाह देगा सरकार को कि किस तरीके से ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें बोर्ड काम करना चाहिए, इनका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा हो, इनका वर्किंग कल्चर कैसा हो, यहाँ पर कैसे पर्सनल मैनेजमेंट किया जाए, सारी सलाह दी जाएगी। आफ्टर दैट टू बिल्ड अ डेटा बैंक कंटेनिंग डेटा रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस, अभी जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसके पास प्रॉपर डेटा नहीं है, एक ये कमी उसमें काफ़ी बड़ी थी, अब ये क्या डेटा पर फोकस कर रहा है कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे संबंधित डेटा कलेक्ट किया जाएगा और उस डेटा बैंक को बनाया जाएगा और डेटा के आधार पर ही आगे डिसीजंस लिए जाएंगे, जो कि हेल्प करेगा हमारी सरकार को। आगे देखते हैं कोड ऑफ कंडक्ट और इथिक्स हैं, जो भी उनको भी एनफोर्स किया जाएगा, उनको फॉर्मुलेट किया जाएगा, यानी कि बनाया जाएगा कि जो भी होल टाइम डायरेक्टर्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, तो उनको किस तरीके से काम करना है, इथिक्स पे ध्यान देना है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके का होना चाहिए, तो वो सारे कुछ ये एडवाइस करेगी सरकार को। दैट कि अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या पब्लिक सेक्टर इंश्योरर है, तो इनमें किस तरीके से स्ट्रेटेजीज को डेवलप किया जाए जिससे कि वो अच्छे से काम कर सकें और कैपिटल अपनी रेज कर सकें, इसके लिए प्लान बनाने में भी ये मदद करेगी। तो कंपोजिशन ऑफ FSIB, इसका कंपोजिशन क्या होगा? एक इसमें चेयरपर्सन होगा, तो चेयरपर्सन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। वो कौन हो सकता है? वो कोई भी बैंकिंग सेक्टर से रिटायर्ड ऑफिशियल हो सकता है, या फिर आपका इसमें एक बिजनेस पर्सन हो सकता है, कोई भी रेप्यूटेड बिजनेस पर्सन है जिसे फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में अच्छी नॉलेज है वो हो सकता है। इसके अलावा एक कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके पास 25 साल का एक्सपीरियंस हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना, अगर बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में 25 साल या उससे ज़्यादा का अनुभव है तो उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होंगे। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स वो होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, तो अगर कोई भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है तो वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति बन जाता है, तो वो क्या है? एक एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है वहाँ का। इसी तरीके से एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि अगर कोई इस पर्टिकुलर पोस्ट पर है तो उस पर्टिकुलर पोस्ट पर आने के बाद उसको दूसरा कोई पद मिल जाता है। तो इसमें कौन कौन होंगे? सेक्रेटरी ऑफ चार्ज ऑफ DFS, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ DFS मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, वो इसका पदेन सदस्य होगा। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, उसका होगा चेयरपर्सन ऑफ द इंश्योरर रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा, इसके अलावा जो हमारा IRDA है उसका चेयरपर्सन होगा। तो डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI, अगर RBI का कोई डेप्यूटी गवर्नर है तो वो भी FSIB का मेंबर होगा। ये तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। इसके अलावा 3 पर्सन ऐसे होंगे जिनको इस पब्लिक सेक्टर बैंक से संबंधित, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से संबंधित अच्छा नॉलेज है, उनको लिया जाएगा। और इसके अलावा 3 और मेंबर्स लिए जाएंगे जिनको पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस, मतलब जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके बारे में अच्छा नॉलेज होता है, तो उन 3 को लिया जाएगा। और ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट
नॉमिनेट इनको करेगी। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है कि इस तरीके से इनका कंपोजिशन होगा, इनकी वर्किंग होगी, और ये प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एफएसआईबी से संबंधित कोई भी आपको दे दिया जाएगा कि इनके टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं, कंपोजिशन है इनका, तो ये सब इनसे रिलेटेड प्रीलिम्स में पूछे जाने की संभावना है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 2016 में हुआ था, और ये एक ऑटोनॉमस रिकमेंडरी बॉडी के रूप में इस्टेब्लिश हुई थी। ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि स्वायत्त, अपने हिसाब से काम करेगी, गवर्नमेंट का ज़्यादा इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। रिकमेंडरी का मतलब है यहाँ पर कि ये रिकमेंड करती है कि किसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, क्या सरकार को किस तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनको मैनेज करना चाहिए, ये रिकमेंड करती है। अब सरकार के ऊपर है वो उसको मानती है ना मानती है, वो उसके ऊपर है। इसको जब इस्टेब्लिश किया गया था तो ये पीजी नायक कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था तो उसमें ये पर्पस था इसको स्थापित करने के पीछे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हमारे हैं उनका जो वर्क कल्चर है और उनका जो गवर्नेंस है वो किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। अब ये क्या करता था, वो भी जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है इसका भी यही काम था कि ये जो सिलेक्शन होता था हेड्स का पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, तो किस तरीके से किया जाना चाहिए उसके लिए रिकमेंड करता था। और इसके अलावा डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स, ये जो बैंक्स हैं वो अपनी रणनीतियाँ किस तरीके से बनाएं जिससे उनकी जो कैपिटल है वो बढ़े और वो बैंक इम्प्रूव करें और इससे हमारी इकोनॉमी अच्छी तरीके से चल सके। सो बैंक बोर्ड ब्यूरो वॉज अ पार्ट ऑफ द 7-पॉइंट स्ट्रेटेजी ऑफ द इंद्रधनुष मिशन, यानी कि जो हमारा इंद्रधनुष मिशन लाया गया था बैंकों में सुधार के लिए, तो उसका एक ये भी पार्ट था बैंक बोर्ड ब्यूरो, और उसी के अंतर्गत इसको एस्टैब्लिश किया गया था। अब यहाँ पर बता रखा है कि भाई बैंक बोर्ड ब्यूरो है इसको रिप्लेस करने की जरूरत क्या है। तो पहला तो इसका स्लो अपॉइंटमेंट प्रोसेस, इसका अपॉइंटमेंट प्रोसेस काफ़ी स्लो है। ये रिकमेंडेशन देता है पोजीशंस के लिए, तो जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक का मामला है तो वहाँ कम से कम 76 डेज लगते हैं अपॉइंटमेंट होने में। इसके अलावा जो इंश्योरेंस का मामला है तो वहाँ पर 36 डेज लगते हैं, और यहाँ पर अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मामला है तो 189 डेज ये लेता है, तब जाके सरकार को रिकमेंड करता है और अपॉइंटमेंट होता है। एक ये प्रॉब्लम है कि इसका जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो स्लो है। दूसरा बता रखा है कि लीगल हर्डल्स ओवर इट्स पावर एंड ज्यूरिस्डिक्शन, अभी पिछले दो साल, इसके बाद है लीगल हर्डल्स ओवर इट्स पावर एंड ज्यूरिस्डिक्शन। अभी पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि एक इनकॉम्पिटेंट बॉडी है, यानी कि दिस इज नॉट अ कॉम्पिटेंट बॉडी, किसके लिए, कि बैंक बोर्ड ब्यूरो के जो सिलेक्शन है जनरल मैनेजर का है या डायरेक्टर्स का है उसके लिए ये रिकमेंड नहीं कर सकती है। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी बॉडी की जरूरत थी जो कॉम्पिटेंट हो और हाई कोर्ट ने जो भी अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी उनको रिजॉल्व किया जा सके। आफ्टर दैट लैक ऑफ ऑटोनॉमी, अब सरकार का इसमें कुछ ज़्यादा ही हस्तक्षेप था, कुछ ही ज़्यादा ही इंटरफेरेंस था। अब ये बोल तो रही है सरकार कि भाई एफएसआई भी लेके आए हैं कुछ अलग है, बट इसमें अलग क्या दिख रहा है सरकार का, तो यहाँ पर भी सारे अपॉइंटमेंट सरकार के द्वारा ही किए जा रहे हैं, तो पता नहीं अब क्यों ऐसा कर रहे हैं वो। तो ये एक देखने को मिल रहा है कि ऑटोनॉमस बनाई गई थी बॉडी, बट उसमें ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए इसको एफएसआईबी से रिप्लेस किया जा रहा है। तो आगे देखते हैं। फर्स्ट रिडक्शन इन द टाइम टेकन फॉर अपॉइंटमेंट्स, यानी कि जो भी नियुक्तियाँ होती हैं उनमें काफ़ी देरी होती है, अभी हमने देखा था, तो वो टाइम जो लिया जाता है वो कम होगा। दूसरा है बेटर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, परफॉर्मेंस है बैंक्स की वो इंप्रूव होगी, और जिससे कि बैंक्स अच्छी तरीके से काम करेंगे और अपनी उनकी कैपिटल बढ़ेगी, जब कैपिटल बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी भी अच्छी तरीके से काम कर पाएगी, तो ये सब इसमें बताया गया। उसके बाद इंप्रूव्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सो विद मैंडेट लाइक एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन फॉर्मुलेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ए कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें क्या होगा, कोड ऑफ कंडक्ट पे ध्यान दिया गया। हाँ, एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी है कि इसमें कोड ऑफ कंडक्ट है और एथिक्स है, इस पर जोर दिया गया है कि जो भी डायरेक्टर्स होंगे या मैनेजर्स होंगे उनको इस चीज़ पर ध्यान देना होगा जिससे गवर्नेंस इंप्रूव होगा। और उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी इन सिलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है कि इसमें जो भी रेड टेपिज्म होता है उसको नीचे लाया जाएगा और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया जाएगा। इस तरीके से हमने ये पूरा टॉपिक डिस्कस किया, ये काफ़ी आसान टॉपिक था, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तो इतने चर्चा में रहता है कि हर यूपीएससी या पीसीएस का जो एस्पिरेंट है उसको सभी ने सुना होगा। तो ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, अभी हाल ही में हुआ क्या है कि जो हमारे वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2020 नाम से अपनी 5th असेसमेंट रिपोर्ट दी है कि जो स्टेट्स हैं और यूटीज हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस कैसा है। चलो आगे देखते हैं क्या दे रखा है। ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है इसको डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कि DPIIT है, इसने इसको तैयार किया है और ये 2014 से ही इसको देख रहा है। जो डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स अक्रॉस द कंट्री हमारे यहाँ देखने को मिल रहे हैं 2014 से क्या, उससे पहले भी इम्प्रूवमेंट तो चल ही रहा था, बट 2014 से कुछ एक्सिलरेट हुआ है ये इसमें बताया गया है। बस आपको इतना याद रखना है कि इसको डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने रिलीज किया है, इसको प्रिपेयर किया है। तो अब इतना अगर आपको याद है तो प्रीलिम्स में ये पॉइंट डाले जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है। आफ्टर दैट इट हैज़ कैटेगराइज स्टेट्स यूटीज इनटू सब कैटेगरीज, पहली है टॉप अचीवर्स, जो टॉप अचीवर्स कौन से हैं, टॉप अचीवर्स के अलावा इसमें अचीवर्स कौन हैं और एस्पायरर्स कौन हैं, इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम कहाँ पर आ रहा है, तो इस तरीके से इसमें इसको कैटेगराइज किया गया और इसमें
301 रिफॉर्म पॉइंट्स हैं और 15 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज हैं, उनको इसमें उन पर फोकस किया गया है। तो टॉप अचीवर्स में कौन कौन है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, तेलंगाना है, हरियाणा है, कर्नाटक है, पंजाब है और तमिलनाडु है। ये किस में आते हैं, ये टॉप अचीवर्स की कैटेगरी में आते हैं। और इसके अलावा जो अचीवर्स में है वो हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, ये अचीवर्स में आते हैं। उसके बाद ये एस्पायरर्स दे रखे हैं और इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम्स देख रखे हैं। तो टॉप अचीवर्स जो हैं उनके आप नाम देख सकते हैं, एक बार अच्छे से देख लो, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं, और अगर मीन्स में भी आप लिख रहे हैं तो बता सकते हैं कि यहाँ पर इतना इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो आपकी हेल्प होगी उसमें। सो दिस इंक्लूड्स एरियाज सच एज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। अब इसमें क्या क्या कौन कौन से पॉइंट्स लिए गए हैं, तो पहला है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। कोई भी अपना बिजनेस अगर कहीं पर इस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है, तो ये इसको प्रायोरिटी दी गई है। इसके अलावा सिंगल विंडो सिस्टम की बात की गई। सिंगल विंडो सिस्टम का सीधा सा मतलब इतना होता है कि जो भी पेपर वर्क होता है वो एक जगह पर सारा पेपर वर्क हो जाए, यहाँ वहाँ ना घूमना पड़े कि भाई अगर हमें एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना है तो कहीं और जाना है, अगर हमें लैंड एक्विजिशन का मामला है कहीं और जाना है, तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है, बिजनेसमैन जो है इन्वेस्ट करने से हिचकिचाते हैं। तो एक ये बात की गई। उसके बाद लेबर के बारे में जो भी रिफॉर्म्स हैं उनकी बात की गई है। सेक्टोरल रिफॉर्म्स को भी देखा जाएगा इसमें। रिफॉर्म्स स्पैनिंग अक्रॉस द लाइफ साइकिल ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस से संबंधित जो भी मामले हैं इसमें सभी को कहीं ना कहीं थोड़ा या बहुत जरूर छुआ गया है। तो अब उसके बाद ये जो लाया गया है, ये रिपोर्ट है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, इस रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो है बूस्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। कि अगर भाई हमें पहली बात तो कोई भी रिपोर्ट है अगर वो आपको निकाल के दे रही है तो उसे पता चल रहा है कि हमारी कंट्री की कंडीशन क्या है, कंट्री में भी हमारी जो रीजन्स हैं डिफरेंट स्टेट्स हैं उनकी कंडीशन क्या है। और जब इन्वेस्टर को अच्छे से पता होता है तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर उत्सुक होता है, और हमारा जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है, और इससे बिजनेस फ्रेंडली क्लाइमेट बनता है हमारे यहाँ, एंड ऑगमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा पूरे देश में मिलता है। तो और जिससे हेल्दी कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, और हमारे जो स्टेट्स के बीच में अगर भाई एक स्टेट जो है वो टॉप अचीवर में है, दूसरा एस्पायरर्स या इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम है, तो उसको भी लगेगा कहीं ना कहीं हम भी अगर अच्छे से काम करते हैं, अगर हम भी जो एनवायरमेंटल लॉज हैं, इन्फॉर्मेशन है, सिंगल विंडो सिस्टम है, लेबर रिफॉर्म्स हैं, इन पे अगर अच्छे से काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी टॉप अचीवर्स बन सकते हैं। तो इनके बीच में जब कंपटीशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारी इकोनॉमी इंप्रूव करेगी। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में यहां पर कुछ चीजें आपको बता रखी हैं, वो देख लेते हैं। दिस इज अ इंडिकेशन ऑफ बिजनेस क्लाइमेट ऑफ अ नेशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है कि वहां पर बिजनेस क्लाइमेट कैसा है, यानी कि बिजनेस को अगर एस्टैब्लिश किया जा रहा है तो वो किस हद तक वहां पर अच्छे से सफल हो सकता है। और ये जो बेस्ड होता है वो इस बिलीफ पर बेस्ड होता है कि यहां पर पॉजिटिव कोरिलेशन है बिजनेस रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के और इकोनॉमिक आउटकम्स के। यानी कि जो भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है आके, तो उसको क्या बिजनेस रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको, तो ये चीज़ यहाँ पर इंडिकेट करता है। बैंक की जो रिपोर्ट है ये काफ़ी फेमस है, 2002 में स्टार्ट हुई थी, 2021 में फिर बंद कर दी गई है, क्योंकि इसमें डेटा में काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटीज थी, और इंडियन हमारे यहाँ भी कहना था कि इंडियन गवर्नमेंट इतनी इंप्रूव कर रही है, बट जो क्रिटिक्स हैं वो बोलते हैं कि केवल दिल्ली और मुंबई के ही डेटा को लिया जाता है, पूरे कंट्री के डेटा को नहीं लिया जाता है, तो फिर ये कैसे बता सकता है कोई कि जो डूइंग बिजनेस में हम इतने इंप्रूव कर रहे हैं। तो इस तरीके की इसमें अनियमितताएं थी, इरेगुलरिटीज थी, जिसको लेकर 2021 में इसको बंद कर दिया गया। आफ्टर दैट इसमें इंडिया ने जो रैंक किया था 2020 में, वो 63rd रैंक पर इंडिया आया था, और उसके बाद आगे भी 2021 में तो शायद ही निकली नहीं थी, और यहाँ तक इंडिया इंप्रूव किया था। इंडिया पहले 3 डिजिट में था, फिर 2 डिजिट में आ गया है। सो इट सीक्स टू स्ट्रीमलाइन एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस बाय सिंप्लीफाइंग द लाइफ साइकिल ऑफ ए बिजनेस एंड क्रिएट एन इन्वेस्टर फ्रेंडली इकोसिस्टम। तो वो हम देख ही चुके हैं कि ये इन्वेस्टर फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाने के लिए इसी पर फोकस करती है कि यहाँ पर इन्वेस्टर फ्रेंडली इकोसिस्टम है कि नहीं है। सो रिप्लेसिंग रिडंडेंट रेगुलेट प्रोसीजर्स विद सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट रूल्स। यहाँ पर कैसे प्रोसीजर्स हैं, कैसे रूल्स हैं, वो ट्रांसपेरेंट हैं कि नहीं है, यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि पुराने ही तरीके से पुराने ही ढर्रे पे चले आ रहे हैं, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है, तो वो सब चीज़ें नहीं है। और जो प्रॉपर्टी राइट है बिजनेस का, उसके प्रोटेक्शन के लिए काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाता था। एक पर्टिकुलर बिजनेस होता है तो उसकी लाइफ साइकिल होती क्या है, तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग ऑफ ए बिजनेस, एक बिजनेस स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर जो भी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन परमिट हैं वो लिए जाते हैं सरकार से, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर मिल सके, है ना, प्रॉपर्टी को रजिस्टर किया जाएगा, उसके बाद फिर जो भी क्रेडिट है वो मिलता है, पैसा बाहर से चाहिए होता है वो सब मिलता है, इसके बाद फिर माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, टैक्सेस जो है उनको वो देने पड़ते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या टैक्सेस लगा रखे हैं। इसके अलावा जो भी ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, अगर भाई प्रोडक्शन इंडिया में अगर कोई इन्वेस्ट करके कर रहा है तो वही बाहर भेजेगा भी, एक्सपोर्ट भी करेगा तो वो कितनी ईजिली एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके बाद एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बिजनेस पर्सन के बीच में, तो उनको किस तरीके से एनफोर्स किया जा रहा है, एंड आफ्टर दैट इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करना, अगर इंसॉल्वेंसी का कोई इशू आता है तो उसके रिजोल्यूशन की बात होती है। तो ये जो पूरा होता है लाइफ साइकिल एक बिजनेस का होता है। अब ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसका सिग्निफिकेंस क्या था, तो ये क्या है कि जो उद्यमिता है हमारे यहाँ उसको बूस्ट करता है, एंटरप्रेन्योरशिप लोगों के अंदर आ सके उसको बूस्ट करता है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हमारे इंप्रूव करता है, क्योंकि यहाँ पर जब मार्केट एफिशिएंसी इंप्रूव होगी
और रेगुलेटरी वर्डन है वो कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो उद्यमिता है उसको बढ़ावा मिलेगा और हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी इंक्रेज करता है, क्योंकि जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। और ये जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है हमारा उसको स्ट्रीमलाइन करता है। ऐसा नहीं है कि एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा उधर है, तो रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको स्ट्रीमलाइन करके एक जगह कर देता है, और जो भी एंटरप्रेन्योर होता है उसको कम टाइम लगता है उस पूरे प्रोसीजर से गुजरने में, और जो भी उसकी एनर्जी होती है, टाइम होता है, वो प्रोडक्टिवली उसको यूज़ कर पाता है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इससे अच्छा होगा, क्योंकि जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा, कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है। अब उसके बाद आपको आगे बता रखा है यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बता रखे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो आप आराम से रीड कर सकते हैं, और इनको याद कर लो, अगर कहीं मेंस में क्वेश्चन आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित तो वहाँ पर आप डाल सकते हैं। जस्ट इनको एक बार रीड कर लो, इनमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ज़्यादातर। अब इसके बाद कुछ चैलेंजेस बता रखे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स जो हमारे यहाँ लाए जा रहे हैं उनमें क्या चैलेंज हैं। तो फर्स्ट है ऑपरेशनल चैलेंज। ऑपरेशनल चैलेंज में ये है कि जो भी हमारे यहाँ क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं हम पीछे रह रहे हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या तो वो पहले लागू होते नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कहीं दो कंपनीज के बीच में अगर, या किसी फॉरेन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट मान लो पूरा हो भी रहा है तो वो समय पर नहीं होता है। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम होती है, जो भी हमारा इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस होता है आईबीसी में, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक वैकेंसी भी उसमें रीजन है, और इसके अलावा और भी रीजंस हैं, क्योंकि जो आईबीसी है प्रोसेस पूरा चलता है, उसमें भी पर्सनल होते हैं, उसमें भी लोग काम करते हैं, तो उनमें काफी वैकेंट सीट्स पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसेस में टाइम लगता है। सेकेंड में बता रखा है कि हमारे यहाँ क्या है कि पॉलिसी चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे क्या है कि अनिश्चितता का माहौल रहता है, कभी टैरिफ बढ़ा दिए, कभी घटा दिए, अदर मेजर्स हैं उनसे संबंधित भी यहाँ वहाँ होता रहता है, तो जिससे कि जो भी इन्वेस्टर है इंडिया में आता है तो वो डरता है कि भाई यहाँ पर अभी ये पॉलिसी है लैंड एक्विजिशन की, और पता नहीं 6 महीने बाद क्या करे सरकार यहाँ की। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिसी में जो इंस्टेबिलिटी है, चेंजेस इतने ज़्यादा होते रहते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम बताई जा रही है। और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स, यानी कि हमारे यहाँ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो कॉन्टीन्यूसली परसिस्टेंटली लो है, और ये एक हमारा डेवलपमेंटल बैकलॉग है। और अदर रीजन्स भी हैं जो स्ट्रक्चरल या ऑपरेशनल हमारे चैलेंजेस हैं, तो उसमें एक तो है शॉर्टेज ऑफ पावर, पावर की शॉर्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, और गवर्नेंस के भी अपने कुछ इश्यूज़ हैं। आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में बता रखा है इसमें, फर्स्ट है कि हमारे यहाँ जो एक सोच है वो उदारवादी सोच है, और लेकिन जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ये कैपिटलिस्ट व्यू को तरह उसको देखा जाता है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी रेगुलेशंस हैं, बैरियर्स हैं इन्वेस्टमेंट से संबंधित, तो उनको एलिमिनेट किया जाएगा। इसके अलावा मार्केट फ्रेंडली रिफॉर्म लाए जाएंगे, और जो भी लेबर प्रोटेक्शन है उसको, लेबर प्रोटेक्शन को कम किया जाएगा। तो ये क्या है, ये कैपिटलिस्ट सोच पर आधारित है, लेकिन हमारी जो सोच है वो कैपिटलिस्ट ना होकर कैसी है, उदारवादी सोच है। तो ये कहीं ना कहीं एक ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बोटलनेक की तरह काम करती है। दूसरा यहाँ पर बता रखा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर अगर ज़्यादा फोकस किया जाएगा तो अदर इशूज़ जो हैं वो भी हमारे अफेक्ट हो सकते हैं, जैसे हमारे सोशल इशूज़ हैं, पॉलिटिकल इशूज़ हैं, तो अगर इन पर हम ध्यान नहीं देंगे, जो डूइंग पर ही ध्यान देते रहेंगे तो ये भी ठीक नहीं है। इसी तरीके से इसको आगे बताया गया है कि जो अब वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच अगर हम अपना रहे हैं सभी पैरामीटर्स पे, तो कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है कि हम ये सोच लें कि बिजनेस अगर इंप्रूव हो जाएगा तो हमारे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सारे जो मुद्दे हैं, सारी समस्याएं हैं वो सब हल हो जाएंगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये कुछ इसमें प्रॉब्लम्स बताई गई हैं, चैलेंजेस बताए गए हैं, और वे फॉरवर्ड अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट है कि जो भी आपको कंस्ट्रक्शन परमिट मिलना है या एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलना है किसी बिजनेस पर्सन को, भी टाइम से मिले, इसके लिए टाइमलाइन बनाई जाए कि भाई इतने दिन में, 30 दिन में, 15 दिन में मिलना है तो मिल जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, नहीं मिलना है तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो भी एक टाइम डिसाइड किया जाए कितने टाइम में मिल जाएगा, है ना। और ये जितनी भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट है जो हमारा, उसको ये सभी स्टेट्स और यूटीज पर लागू हो जाना चाहिए। उसके बाद है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोर डेडिकेटेड कमर्शियल कोर्ट, कमर्शियल कोर्ट्स हैं उनको मोर डेडिकेटेड बनाया जाए, जिससे कि वो जो भी बिजनेस से संबंधित मामला है वो जल्दी से रिजॉल्व हो सके। और हाई कोर्ट है हमारा जो, उसमें भी हियरिंग के लिए, कमर्शियल डिस्प्यूट्स की हियरिंग के लिए अलग से बेंचेज बनाए जाने की ज़रूरत है। इसके बाद स्टेट्स को भी एनकरेज करने की ज़रूरत है कि वो भी कॉम्प्रिहेंसिव बिल्डिंग कोड लेके आएं। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर बिल्डिंग कोड अलग है इस डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट में अलग है, उस स्टेट में अलग है, इस स्टेट में अलग है। इससे होता क्या है कि जो भी बिजनेस पर्सन है उसको पता नहीं चल पाता है, और वो बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको कि कैसी बिल्डिंग हमें वहाँ पर बनानी है। और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दी जानी चाहिए, लैंड रिकॉर्ड जो भी हैं सबके पास अपनी आईडी हो, लैंड रिकॉर्ड पूरा हमारी गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, जिससे कि उसके एक्विजिशन में हेल्प मिलती है। एंड आफ्टर दैट इम्प्रूव पॉलिसी एनवायरनमेंट, पॉलिसी एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक क्लियर
क्लियर विजन फॉर ए स्टेबल पॉलिसी एनवायरमेंट, यानी कि एक हमारे पास क्लियर विजन होना चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए किस तरीके की पॉलिसी हमारे पास होनी चाहिए। इसके अलावा एंश्योर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड फॉलोअप्स टू रिमूव ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, यानी कि जो भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं और जो पावर के इशूज हैं यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के इशूज हैं उनको भी दूर किए जाने की जरूरत है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आपको बता रखा है कि इंप्रूव डेवलपमेंटल क्लाइमेट थ्रू क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हमें बिजनेस के डायनामिक्स को समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि केवल हम बिजनेस की तरफ फोकस कर रहे हैं और लेबर जो लेबरर के राइट्स होते हैं उन पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उन दोनों में संतुलन बनाने की ज़रूरत है, यानी कि बिजनेस इंटरेस्ट अपनी जगह और लेबर इंटरेस्ट अपनी जगह, दोनों के बीच में अगर बैलेंस होगा, संतुलन होगा, तो हम अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। और इसके अलावा हमें लर्निंग का जो कल्चर है उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि बाहर से अगर कोई बिजनेस पर्सन आ रहा है, अगर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है और अच्छा कुछ कर रहा है, तो उससे सीखा जाए और जो भी हमारी समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, डेवलपमेंट हो और हमारा ग्रोथ हो और सबको एम्प्लॉयमेंट मिल सके।